ये है हमारे सेब के दाने जो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसे सेटिंग, तो गाइस पहले ऐसे फूल बनेगा। तो अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि ओ भाई फट गया। नेवर फोल्ड नेवर बैक डाउन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सभी का। होप सभी बढ़िया होगे, अच्छे होगे। सो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है बगीचे से। मैं सुबह सुबह बगीचे आ गया था क्योंकि मुझे देखनी थी इसमें फ्लोरिंग कैसी हुई है। तो फ्लोरिंग तो अच्छी हुई है और मैं काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मुझे लगभग 10-15 दिन हो गए मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है और ना ही कोई ब्लॉग मैंने अपलोड किया है। तो आज मैंने सोचा मैं ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रहा था, फ्लोरिंग अच्छी हुई है और लगभग फ्लोरिंग तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो गई है और सेटिंग होना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सेटिंग क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग क्या चीज़, किसको सेटिंग बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जो मतलब जिनके सेब होते हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनको तो पता होगा सेटिंग क्या होती है। मतलब जो बाकी लोग हैं जिनके सेब नहीं होता, उनको पता नहीं होगा सेटिंग क्या होती है। एंड गाइस आप देख सकते हो ये हो चुकी है हमारी सेटिंग, ये देख रहे हो आप। ये है हमारे सेब के दाने जो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसे सेटिंग कहते हैं और ऐसी कुछ सेटिंग हुई है। तो अभी मैं बगीचे में वैसे ही घूम रहा था और मुझे पानी वगैरह भी देना था। मधुमक्खियाँ जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन करता है उनको पानी भी देना था मुझे, पानी तो दे दिया। तो अब मैं वैसे ही यहाँ पे टहल रहा था बगीचे में, क्योंकि बगीचे में टहलने का कुछ और ही फील है यार। ऐसे शांति कहाँ मिलती है पहाड़ों में। और एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, जब भी आप कोई भी वीडियो वॉच करते हो तो एक एक सब्सक्राइब भी कर दिया करोगे यार। इस तरह से मुझे थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिलता है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. तो गाइस पहले ऐसे फूल बनेगा, देन फूल के बाद उसमें ऐसे दाने निकलेंगे। दाने मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे कुछ दाने निकलेंगे उसमें से अलग अलग, ये देख सकते हो आप। तो इसको सेटिंग कहते हैं और ये देखो ऐसी सेटिंग हो चुकी है, मतलब अच्छे से हुई है। और ऐसा कुछ अपना बगीचा है, ये देखो। We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बगीचे, और बगीचे में मुझे देखना था, कल रात को आया था बहुत ही गंदा तूफान आया था कल रात को, और बारिश भी बहुत तेज़ बारिश हुई है कल रात को, पिछले कल। तो अभी जा रहा हूँ मैं बगीचे, देखता हूँ फूल वगैरह कितने झड़े हैं, वो देखना था मुझे। फ्रूट की सेटिंग हुई है कि नहीं हुई है, वैसे तो हो गई थी जब मैं परसों आया था दिन को, परसों क्या कल दिन को आया था जब मैं। तो कल मेरे पास कुछ ज़्यादा शूट करने को नहीं था तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो आज आया हूँ मैं, मैंने सोचा ब्लॉग भी शूट कर लेता हूँ। सो गाइज मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने बगीचे में, और बगीचे में फूल तो सारे झड़ रखे हैं भाई, और फ्रूट की सेटिंग भी हो गई है। और फ्रूट की सेटिंग गाइज ये तब हुई है क्योंकि पीजीआर किया था इसमें हमने। एंड गाइज जो पीजीआर होता है वो फ्रूट की सेटिंग करता है मतलब ज़्यादा, तो और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है बगीचे में। जैसे ठंड हो जाती है, जैसे कल रात को बारिश तूफान आया तो उसका जो टेम्परेचर, जैसे ठंड हो गई थी तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है ये अपने में। तो मुझे इतना ही पता है पीजीआर के बारे में, ज़्यादा तो पता नहीं है। बाकी जितना पता था मुझे वो मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर मेंटेन करता है और फ्रूट की सेटिंग करता है ये। और गाइस अंधेरा हो गया है बिल्कुल पूरी तरीके से क्योंकि मौसम ही बहुत ख़राब है यार। लो काले बादल आए हुए, अंधेरा तो होना ही है भाई, पूरा अंधेरा हो चुका है इस टाइम। और ये मक्खियाँ हैं जो कि बेचारी इस टाइम ठंड से गायब है, ठंड बहुत पड़ चुकी है और ये ठंड में रहना इन्हें, इनको आदत नहीं होती ठंड में रहने की, तो उस वजह से ये भी गायब ही हो रखी है। गाइस बारिश लगना होगी है स्टार्ट, तो मैं भी निकलता हूँ टाइम से घर को। हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी और जैसे कल से बारिश हो रही है ना, एकदम तूफान आ रहा है एक्सट्रीम लेवल पे। तो मैं नहीं चाहता वैसी बारिश हो और मैं भीग जाऊँ, तो अभी टाइम से निकलते हैं घर को। बाकी आगे ही देखते हैं क्या बनता है क्या। ओ भाई देखा बिजली चमकी, खतरनाक। तो मैं निकल रहा हूँ घर को, मैं भीगने वाला हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बारिश हर कुछ हो रही है। अभी तो थोड़ी थोड़ी हो रही है बट
सुन लिया, ऐसा सीन चला हुआ कल से, खतरनाक बारिश और ये देखो तूफान। सो गाइस अपने साथ हो गया एक मोटा ही सीन, और मैं घर को जैसे ही जा रहा था और एकदम से तेज़ बारिश होगी स्टार्ट लगनी, तो अब मैं यहाँ पे रुका हुआ, ये अपना शेल्टर है इसके नीचे रुका हुआ मैं, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है गाइस, एकदम से ही हुआ, एकदम अंधेरा भी हो गया और बारिश एकदम से ना, बादल भी गरज रहे, बहुत ही गंदे बादल गरज रहे, ये देखो बादल की एकदम से मोटी, और बारिश हो रही है बहुत तेज़, और मैं अभी घर नहीं जा पा रहा। अब देखता हूँ क्या करता हूँ, भीग भी रहा हूँ यार यहाँ पे, लगता है मेरे को जाना ही पड़ेगा जैसी बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश मुझे लगता नहीं रुकने भी वाली, जैसी कल रात से हो रही है तो लगातार ही हो रही है कंटिन्यू। अब देखता हूँ क्या करता हूँ यार, फंस गया। ये देखो ऐसा घना जंगल है इधर जहाँ मैं रुका हूँ, काला हो गया पूरा एकदम, मौसम अंधेरा हो गया एकदम से। तो गाइस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि ओ भाई फट के हाथ में आ गई, अब तो गाइस मोटा ही सीन हो रहा है, एकदम से खतरनाक बादल गरज रहे हैं, तो मुझे गाइज मैं करता हूँ अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।